अस्सलाम वालेकुम, नाज़िमा तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल खिचड़ी, जो एक हमारी फ्रेंड हैं आयुषी मैम, तो उनकी ये फेवरेट डिश है, तो आज मैं उनके लिए स्पेशली ये दाल खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक कटोरी चावल, जो एक कप के मेजरमेंट के हिसाब से है, और यहाँ पे मैं ले ली हूँ दो किस्म की दाल। आधी कटोरी ली हूँ मैं तुअर दाल, और आधी कटोरी ली हूँ पीली मूंग दाल, जो दोनों मिला के हो गई वो भी एक कटोरी। तो चलिए इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने चावल एक बाउल में डाल लूँगी, सारे चावल को डाल लेंगे, और इसी के साथ हम इसमें दाल भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम पीली मूंग की दाल भी। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे मिक्स करके, और अच्छे से धोने के बाद, दो से तीन पानी धोने के बाद, इसे थोड़ा पानी डाल के हम इसे साइड में रख देंगे। चलिए ये मैंने दो से तीन पानी धो ली हूँ, और इस तरह से थोड़ा पानी डाल के इसे साइड में थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, और जब तक हम अपना इसका मसाला बना लेते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक कुकर, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा ऑयल, और ऑयल को गर्म हो जाने देंगे। चलिए तेल हो गया गर्म, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा राई यानी कि सरसों, और इसको तड़कने देंगे। चलिए राई तड़क गए, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा जीरा और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। अब इसके बाद मैं डाल दूंगी कुछ कड़ी पत्ते, और इसके बाद एक बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे हम, और थोड़ा सा हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। चलिए प्याज हो गई थोड़ी ब्राउन, अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च, और इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे हींग, थोड़ी सी हींग डाल देंगे हम। अब थोड़ा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने ऐड किया, थोड़ा सा उससे भी फ्राई कर लेंगे हम। चलिए ये डाल के हमने लहसुन और हरी मिर्च को भी भून लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सब्जियाँ। चलिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ कुछ सब्जी, यहाँ पे ली हूँ थोड़े से हरे मटर, और थोड़ा सा यहाँ पे ले ली हूँ मैं पम्पकिन यानी कि कोहड़ा, और यहाँ पे ली हूँ थोड़ा सा गाजर। अब ये सब्जियाँ भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तीनों सब्जियाँ हम ऐड कर देंगे। और इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम अब डाल देंगे थोड़ा सा मसाला पाउडर। यहाँ पे ले ली हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, और 1 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी इसलिए हम ज़्यादा लिए हैं कि हम बना रहे हैं पीली खिचड़ी, और सब मसालों के साथ में
दो मिनट तक के इसे भून लेंगे। चलिए दो मिनट तक के हमने इसे भून लिया है मसाले को और सब्जियों को। अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारे भीगे हुए चावल, इसमें ऐड कर देंगे। और सब्जी जो मैंने यहाँ पे गाजर वटाने और कद्दू ली हूँ, तो अगर आपको इसकी जगह पे कोई और सब्जियाँ पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर इसमें से कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब इन चावलों को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा ही लगेगा, हम इसे थोड़ा सा गीला ही खिचड़ी बनाएंगे। आप जितना गीला जाड़ा पतला ऐसा खाना चाहते हैं आप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ पानी, मुझे थोड़ा ये गीला ही चाहिए। और हमने पहले इसमें नमक ऐड नहीं किया था कि हम पानी के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, इस वजह से अब नमक स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे। नमक नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैं यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अब इन सबको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन लगा के हम कवर कर देंगे। दो से तीन सीटी हो जाती है हाई फ्लेम पर, उसके बाद में हम तीन सीटी होने के बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए स्लो पे पकेगा। चलिए उसके बाद हम मिलते हैं। तो चलिए जब तक हमारी खिचड़ी गलती है तब तक हम इसकी एक चटनी रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ भुना हुआ सेंग, वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ी भुनी हुई चने की दाल वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हम यहाँ पे इमली, और थोड़ा यहाँ पे ली हूँ मैं गीला खोपरा यानी गीला नारियल, वो भी इस तरह से बारीक काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। और 4 से 5 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम पानी, और इन सबको हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। चलिए ये देखिए हमारी चटनी गाढ़ी गाढ़ी मस्त चटपटी चटनी रेडी हो गई है, और ये चटनी इस खिचड़ी के साथ ज़रूर आप ट्राई करें। तो चलिए अब हम अपनी खिचड़ी चेक कर लेते हैं। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह खिचड़ी हमारी तो एकदम बढ़िया रेडी हो गई है, और जिस तरीके का गीला हमें चाहिए था एकदम बढ़िया उसी तरीके से हुआ है। और यकीन मानिए इस तरीके की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनता है। चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म फटाफट से सर्व करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्लेट रख लिया है, अब इसमें हम सर्व करेंगे हमारी खिचड़ी। देखिए कितना बढ़िया कितना प्यारा खिचड़ी बना है। चलिए
अब इसके साथ जो हमने चटनी रेडी किया है हम वो सर्व करेंगे। ये खिचड़ी के साथ ये चटनी आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है ये इस खिचड़ी के साथ में, ये किसी भी खिचड़ी के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है ये चटनी। खास करके ये स्पेशल मेरे हस्बैंड की फेवरेट चटनी है खिचड़ी के साथ। और इसके साथ हम सर्व करेंगे थोड़ा सा अचार। अब इस गर्मा गर्म खिचड़ी पे हम डाल देंगे देसी घी, जिससे इसका स्वाद और ही बढ़ जाता है। और एक प्यारा सा गार्निशिंग हरी धनिया और कुछ अनियन के स्लाइस। और यहाँ पे हम इसके साथ सर्व कर देंगे और पापड़। ये हमारी प्लेट हो गई है कंप्लीट। तो आयुषी मैम ये आपके लिए स्पेशली। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।